नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते मंगलवार को मथुरा के एक दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सातवीं बोर्ड बैठक ली, साथ ही जनपद के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। वही बैठक में ब्रज तीर्थ पथ परियोजना, मथुरा वृंदावन में गोवर्धन कनेक्ट परियोजना के साथ साथ मथुरा वृंदावन रेल बस मार्ग के स्थान पर यातायात के साधन विकसित करने और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मथुरा में राया अर्बन नोड विकसित किए जाने का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रज के संपूर्ण विकास के लिए करीब 133 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। आदरणीय मुख्यमंत्री महाराज जी ने सबसे पहले तीर्थ विकास परिषद से संबंधित जितनी योजनाओं थी उनका बिंदुवार, उनका सबका, और उसमें और बढ़िया क्या हो सकता है वो सब बिंदुवार उस पर काफ़ी देर तक चर्चा की। उसमें जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए कि बढ़िया से बढ़िया हो सकता है तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से वो कराया जावे। इसके बाद जनपद के सभी विभागों के, क्या बोलते हैं, आपका पुलिस विभाग हो, नहर विभाग हो, पीडब्ल्यू विभाग हो, उन सबके जनप्रतिनिधि अपने अपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, उससे भी पूछा गया था। मैंने कहा महाराज जी, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मेरे बलदेव क्षेत्र में गोकुल, महावन, बलदेव, दाऊ महाराज हैं, इनके तीर्थ स्थल हैं बड़े बड़े, और यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे निकलता है, श्रद्धालु जितने आते हैं या तो उनको राया पर उतर के ऊपर चढ़ना पड़ता है 40 किलोमीटर उतर गएंगे, जब जाएंगे दाऊ जी में जाएंगे, महावन में जाएंगे, बलदेव में जाएंगे, या आपको आगरा उतर के जब आना पड़ता है 40 किलोमीटर का फेर पड़ता है। महाराज जी ऊपर से एक्सप्रेस वे जाना, दाऊ जी महाराज के ऊपर से चढ़ने उतरने का कट चाहिए। मैंने इस बारे में जेपी ग्रुप से मैंने लेखा पढ़ी की थी। जेपी ग्रुप अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुका है, अब उनको दिवालिया वो घोषित हो चुका है, जबकि टोल वसूल करते हैं वो। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरी समस्या थी, मुख्यतः ये थी कि चढ़ने उतरने का वो ग्रह वो महाराज जी ने संज्ञान में लिया और विभाग को निर्देश भी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सोसाइटियों पर भाजपा के कब्जे की वजह से ही यूपी में खाद का संकट पैदा हो गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच अपने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि महाभ्रष्टाचारी भाजपाइयों से चेतावनी भरा आग्रह है कि कम से कम पेट भरने वाले किसानों के खेत और पेट को अपने भ्रष्टाचार का शिकार ना बनाए। सोसाइटियों पर भाजपाई कब्जे की वजह से ही उत्तर प्रदेश में खाद का संकट पैदा हुआ है। सब जानते हैं भाजपाई लोग ही सारी खाद हड़प कर उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। साथ ही अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री या तो कुछ भी नहीं जानते या सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। वो ऐसी अनदेखी किसी दबाव में कर रहे हैं या किसी लाभ की अपेक्षा से? देखते हैं हमारी चेतावनी के बाद कितनी जल्द खाद संकट का हल निकलता है। आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर और भाजपा सरकार पर आए दिन आरोप लगाते रहते हैं, अब ये नया आरोप उन्होंने लगाया है खाद को लेकर, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर है और कल लखनऊ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो हमले हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार पर किए और उन्होंने बहराई हिंसा को लेके एक बार फिर से किया। उन्होंने कहा, मैं फिर से कहता हूँ कि बहराई में जो हिंसा हुई है, जो घटना हुई, उसमें सरकार का हाथ है, सरकार ने कराई। और अब तो देखिए बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने जो FIR कराई उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक जो है वो अपने की पार्टी के लोगों पे FIR करा रहे हैं, वो और उनके पेटेंट जो है वो सुरक्षित नहीं है उन्हीं की पार्टी के लोगों से, तो इस तरह की
तमाम जो वार है वो कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम बातें की पीडीए समाज को लेकर। उन्होंने कहा कि सरकार पीडीए समाज की दुश्मन है और तमाम तरह के जो हमले हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार पर कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दिए और वो लगातार यही कह रहे थे कि 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा और सरकार को हराएगा। जी अभिनव, लेकिन जो वीडियो उन्होंने साझा करते हुए है सीधे तौर पर आरोप लगाया है, क्या इस वीडियो की पुष्टि हो पाई है? बिल्कुल, देखिए ये एक वीडियो जो है वो जारी किया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। इसमें तमाम जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनको 2 घंटे का समय दिया गया था और कुछ भी वो कर सकते और एक कह सकते हैं स्टिंग ऑपरेशन की तरह से ये वीडियो बनवाया गया था जो पहराई के ही लोगों का है। और ये वीडियो जब सामने आया तो कल इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष ने प्रस्तुत किया और उन्होंने सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश की कि देखिए इसमें लगातार बीजेपी के जो लोग हैं उनका हाथ था इसमें और लोग वो कहते हुए नजर भी आ रहे हैं। अभिनव, क्या इस पे अभी तक भाजपा की तरफ से कोई बयान आया है? क्योंकि सीधे तौर पर आरोप लगा है कि या तो मुख्यमंत्री इन चीजों से अनजान है या सब कुछ जान के किसी दबाव में कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं सीधे सीधे भाजपा सरकार और योगी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने अब तक इस मामले में कुछ नहीं बोला लेकिन डिप्टी सीएम कृष्ण मौर्य लगातार जो है समाजवादी पार्टी पे हमलावर है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव को खुद अपने गिरेबाह में झांक कर देखना चाहिए क्योंकि सपा सरकार में किस प्रकार दंगे होते थे, क्या कुछ होता था ये सबको पता है। इसलिए अखिलेश यादव को गुंडई और हिंसा की बात नहीं करनी चाहिए, सबसे ज्यादा अपराध इन्हीं की सरकार में होता है। तो डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य देखिए लगातार इसको लेकर सपा पे हमलावर नजर आ रहे हैं। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया था। इन सीटों पर 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव होंगे और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इस बीच भाजपा ने कहा कि वो जल्द ही उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेंगे। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर सकती है। वहीं सूत्रों ने दावा किया कि पार्टी बीजेपी आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने जहां 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं। इस पर आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ऐसा माना जा रहा है कि आज भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची दे सकती है, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं उसको देखते हुए सभी पार्टियों की अगर बात की जाए तो सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं की थी लेकिन आज बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। कौन प्रत्याशी कहाँ से किस विधानसभा उपचुनाव से चुनाव लड़ेगा आज फाइनल हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा क्योंकि बीजेपी में अब तक मंथन चल रहा था प्रत्याशियों के नाम पर लेकिन अब सारी चीजें फाइनल हो गई हैं। बीजेपी आज अंतिम मुहर लगा देगी सूची पर और सभी प्रत्याशी फाइनल हो जाएंगे। राजेश, क्या भाजपा इंतजार कर रही थी कि बाकी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दे उसके बाद ही हम उस जगह पे उस उम्मीदवार को टक्कर देने वाले अपने लोग ले आएंगे? बिल्कुल अर्चना, अगर जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी लगातार सबसे बाद में ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करती है क्योंकि बीजेपी हमेशा देखती है कि कौन पार्टी किस उम्मीदवार को किस तरीके का उम्मीदवार कितना ताकतवर उम्मीदवार उस उपचुनाव में उस सीट पर उतार रहे हैं उसको देखते हुए बीजेपी जो है उससे मजबूत कद्दावर उम्मीदवार वहां उतारने की हमेशा कोशिश करती है, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो या फिर उपचुनाव हो। तो जाहिर सी बात है कि नहीं, सारी चीजों को देखते हुए बीजेपी जो है सारी पार्टियों के उम्मीदवार उतारने के बाद अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। जी राजेश, साथ ही साथ उम्मीदवारों के साथ सपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम तो घोषणा कर दी है लेकिन 2 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है और वो भी वो 2 सीटें हैं जिसपे कांग्रेस का अभी तक का अगर देखा जाए तो सही नहीं रहा है चुनाव के नतीजे, तो क्या लगता है कि उन 2 सीटों पे कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारना चाहेगी या वो भी सपा के ही खातों में जाएगी? देखिए अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन इंडिया गठबंधन तो है बट लेकिन अगर बात की जाए 2 सीटों की तो जिस तरीके से कांग्रेस वॉकआउट कर रही थी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से
और वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में, वहां पे समाजवादी पार्टी से सहयोग मांग रही थी, तो जाहिर सी बात है कि अभी अटकलें लग रही हैं, लेकिन आज जो भी होगा वो सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। कांग्रेस जो दो सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिया था, उन दो सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है, या फिर सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। अभी आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी चीजें आज फाइनल हो जाएंगी। ठीक है, तो राजेश अगर देखा जाए, अगर 9 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ती है और 9 सीटों पर सपा, तो ये उपचुनाव सीधे सीधे भाजपा और सपा की ही टक्कर कहलाएगी। बिल्कुल अर्चना, देखिए अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो उसमें सबसे मेन मुख्यतः दो ही पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, भाजपा और सपा। सपा और भाजपा के बीच में सीधे सीधी टक्कर होनी है। 9 की 9 सीटों पर अगर अकेले समाजवादी पार्टी लड़ती है और 9 सीटों पर अकेले अगर बीजेपी लड़ती है, तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधे सीधे टक्कर देखने के लिए मिल सकती है। जी जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।